हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेक्शन में रियल एनालिसिस डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लास्ट के वीडियो में सिर्फ हमने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे अपने को स्टडी करना है आगे रियल एनालिसिस। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि जो पूरा रियल एनालिसिस है वो इसी के बेस पे है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे, कि एक पॉइंट है और एक सेट है और इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद जो भी टर्म पढ़ते हैं हम लोग, चाहे वो सीक्वेंस हो, नहीं अल्टरनेटिव है प्रतीक, लेक्चर अल्टरनेटिव होगा। हाँ, 3 डेज रियल, 3 डेज मतलब अल्टरनेट पे अप्लाइड रहेगा, ठीक है? तो एक पॉइंट और एक सेट, और पूरा जो रियल एनालिसिस है ये इसी के बेसिस पे है, एक तो ये और एक तो सीक्वेंस। चाहे हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं वो भी सीक्वेंस के हेल्प से, चाहे हम लोग रीमान इंटीग्रेशन, डिफेंसिबिलिटी, सब डिपेंड करता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। और हर एक पे जो हम लोग बात करते हैं वो टेंडेंसी की बात करते हैं। अब ये टेंडेंसी क्या होती है ये पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो ये मेरे पास एक रियल लाइन है कि जितने भी रियल नंबर हैं उन सारे रियल नंबर को मैं कहीं ना कहीं इस रियल लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ, और इस रियल लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो सारे क्या होते हैं, कोई ना कोई रियल नंबर है। मतलब इस रियल लाइन के साथ और सेट ऑफ रियल नंबर के साथ क्या है, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कह सकते हैं कि हर एक रियल नंबर के लिए यहाँ पे एक पॉइंट होगा इस रियल लाइन पे, और रियल लाइन पे जितने पॉइंट है वो कोई ना कोई एक रियल नंबर है। तो ये मेरे पास एक ओरिजिन 1, 2, -1, -2, ये सपोज अपने पास इंटीजर्स है। तो अब मैंने एक पॉइंट ले लिया सपोज अल्फा, कोई भी रियल नंबर। तो अब ये अल्फा से लेके, ये अल्फा का 0 से लेके जो भी डिस्टेंस रहेगा इसको हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1। तो ये कितना आ जाएगा सपोज, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड अल्फा। तो यहीं से अपना स्टार्ट हो जाता है डिस्टेंस 0 से लेके अल्फा तक। अब ये अल्फा जो है 0 के कितने पास में, इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो हम लोग इसका टेंडेंसी चेक करते हैं। पूरे रियल एनालिसिस में हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि किसी फिक्स पॉइंट के पास एक्स कितने पास में है, या फिर अगर कोई दो पॉइंट है तो वो आपस में कितने पास में आ रहे हैं। पूरे रियल एनालिसिस में हम लोग शायद सिक्वेंस हो उसमें भी यही डिस्कस करते हैं कि एक सिक्वेंस है एल के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एल जो एक्सेन कि टेंडेंसी क्या है कि वो एल के पास कितना अप्रोच कर सकता है, मतलब एल एल के कितने पास में। हम लोग कॉची सीक्वेंस पढ़ते हैं वहां पे भी यही देखते हैं कि कुछ टर्म के बाद सीक्वेंस के हर दो टर्म आपस में कितने पास में। कॉन्टिन्यूटी में भी यही पढ़ते हैं हम लोग कि अगर सपोज कोई पॉइंट ए के पास जा रहा है तो उसका इमेज एफ ऑफ ए के पास जाना चाहिए, लिमिट में एफ ऑफ एक्स एल के पास जाना चाहिए, डिफेंसिबिलिटी में उसकी एवरेज वैल्यू किसी एक फिक्स वैल्यू के पास जाती है और जिसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश ए, कब, जब एक्स मेरा ए के पास जाएगा। तो मतलब हर एक जगह हम लोग टेंडेंसी ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को समझना होगा डिस्टेंस पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कि डिस्टेंस नेबरहुड ये सब क्या होते हैं। तो जब हम लोग रियल लाइन की बात करते हैं ना तो किसी भी पॉइंट के अराउंड हम लोग एक इंटरवल ड्रॉ करते हैं जिसको नेबरहुड, आगे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। जब हम लोग बात करते हैं प्लेन की आर स्क्वायर पे तो किसी भी पॉइंट के अराउंड हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ऐसे ही अगर मैं आर क्यूब की बात करूं तो जब मैं नेबरहुड की बात करूंगा तो एक पॉइंट के अराउंड हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्पेयर टाइप का एक ओपन बॉल इसको बोलेंगे, बट यहाँ पे ये ओपन स्पेयर हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे एक इंटरवल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक स्पेयर ड्रॉ करेंगे। तो इसी को बोलते हैं नेबरहुड। हम लोग एक नेबरहुड का डेफिनेशन बाद में डिफाइन करेंगे, सिर्फ
सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि अपने सिलेबस में भी है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर बाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इनफिमम, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। उसके बाद आएंगे नेबरहुड ओपन सेट क्या होता है। तो सबसे पहला डेफिनेशन है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का। जितने भी हम लोग प्रूफ करते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का। अब ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है क्या? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, अल्फा एक कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब ये जीरो भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर लेना है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। और इसी का यूज करके हम लोग जितने भी प्रूफ है, चाहे वो सीक्वेंस का हो या फिर कोई भी प्रूफ हो, तो हम लोग इसी के हेल्प से करते हैं कि कोई भी नंबर दे दो पॉजिटिव, मैं एक ऐसा m ढूंढ के लेके आऊंगा कि जिसके बाद कोई भी n लेंगे तो 1/n का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/n की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। जैसे हम लोग प्रूफ करते हैं कि 1/n जो ये सीक्वेंस है ये कहां अप्रोच कर रहा है, जीरो पे, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसके और अलग अलग फॉर्म है बट ये सबसे पहला डेफिनेशन है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए एक हमेशा एक क्या मिल जाता है, नेचुरल नंबर सच दैट कि 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ये क्लियर है सबको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी? जैसे अगर मुझे किसी ने 0.1 दे दिया तो मेरे पास m क्या होगा, किस m के बाद 1/n की वैल्यू 0.1 से छोटी होगी, तो m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? फिफ्टीन है, 10 भी ले लेंगे आ जाएगा ना। तो अगर मैं m को 10 ले लूं, तो कोई भी n को अगर मैं ग्रेटर देन 10 लेता हूं तो 1/11 ये भी 0.1 से लेस देन है, 1/12 ये भी 0.1 से लेस देन है। अगर सपोज मैं 0.01 ले रहा हूं तो तब m क्या होगा, तो m क्या हो जाएगा अपने पास 100। कि मतलब जैसे ही n को मैं 100 से ग्रेटर देन लूंगा तो 1/n किससे लेस देन हो जाएगा, 0.01 से। ऐसे अगर 0.02 है तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, हमेशा एक m मिलेगा। तो जितना छोटा एप्सिलॉन लेंगे उसके रिस्पेक्ट में उतना ग्रेटर हमको क्या मिलता है, m मिलता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग किसमें यूज करते हैं, सीक्वेंस में यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब इसी के कुछ अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर लेंगे तो हर दो रियल नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी मेनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल दोनों होते हैं। कोई भी दो पॉइंट, रियल का कोई भी दो पॉइंट ले लो, उसके बीच में हमेशा क्या मिल जाएंगे हमको, इनफाइनाइट रैशनल्स मिलेंगे और इनफाइनाइट इरेशनल्स मिलेंगे। बट ये बाद में आता है क्योंकि अभी तक हम लोग ने रैशनल इरेशनल को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। तो ये भी एक इसी का डेफिनेशन है कि हर दो रियल नंबर के बीच में अपने पास कितने इनफाइनाइट रैशनल्स होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल। ये भी क्या है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग बाउंडेड सेट का। बाउंडेड सेट का डेफिनेशन क्या है, किसी सेट को बाउंडेड कब बोलते हैं हम लोग, लेट एस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, आर का मैंने एक सबसेट ले लिया, अब इसको क्या बोलना चाहता हूं कि इस सेट टू बी बाउंडेड। कब बाउंडेड बोलेंगे इसको, बाउंडेड छोड़ो, पहले हम लोग पहले अपर बाउंड क्या होता है वो डिफाइन करते हैं।
अपर बाउंड किसको बोलते हैं? ठीक है, एक सबसेट है एस रियल नंबर का और एक अल्फा ले रहा हूं मैं रियल नंबर का एक एलिमेंट, तो इस अल्फा को अपर बाउंड कब बोलेंगे? क्या है डेफिनेशन अपर बाउंड का? फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस, एस इज लेस देन अल्फा, तो अल्फा को क्या बोलेंगे? अल्फा इज एन अपर बाउंड। अगर लोअर बाउंड होगा तो किसी बीटा को लोअर बाउंड कब बोलेंगे हम लोग? सपोज एक मैंने रियल नंबर ले लिया, तो फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस, ये एस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, तो इस बीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड। तो ये अपने पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड को हम लोग ने डिफाइन किया। अब यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि बाउंडेड अबो सेट किसको बोलते हैं, बाउंडेड बिलो सेट किसको बोलते हैं। तो बाउंडेड अबो सेट किसको बोलेंगे? जब देयर एग्जिस्ट अल्फा सच दैट, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेट मेरा बाउंडेड अबो है। और सेट बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे? जब देयर एग्जिस्ट बीटा, जब एक ऐसा बीटा मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अबो इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस, एस इज लेस देन अल्फा। मतलब ये एक बाउंड्री कर दिया है कि कोई भी सेट का एलिमेंट ले लो, ये कभी भी इस अल्फा को क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर ऐसा रियल नंबर मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा सेट क्या है? बाउंडेड अबो है। अगर एक ऐसा बीटा मिल जाता है कि सेट का हर एलिमेंट उस बीटा से ग्रेटर है, मतलब उसके राइट साइड में होगा, तो हम लोग उस बीटा को लोअर बाउंड बोलेंगे और उस सेट को बोलेंगे कि वो बाउंडेड बिलो है। तो बाउंडेड अबो बाउंडेड बिलो का डेफिनेशन क्लियर है सबको? हेलो, तो सेट बाउंडेड अबो कब होगा? जब उसके पास अपर बाउंड हो, अपर बाउंड होना चाहिए। और किसी सेट को बाउंडेड बिलो कब बोलते हैं? जब उसके पास एक लोअर बाउंड होना चाहिए। और वो लोअर बाउंड अपर बाउंड कहां होना चाहिए? एलिमेंट रियल का एलिमेंट होना चाहिए। अब यहीं से अपना डेफिनेशन आ जाता है सुप्रीमम और इन्फिमम का। सुप्रीमम इन्फिमम, जैसे मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, ये एस है, ठीक है, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं यहां पे मेरा सपोज कुछ एक अल्फा मिल गया और एक यहां से मेरे पास एक बीटा मिल गया, तो हम लोग ने अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या डिफाइन किया था? कि सेट के जितने भी एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड में आने चाहिए। तो इसका मतलब ये सारे इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। अल्फा के जितने भी राइट साइड के एलिमेंट है, मतलब अगर कोई भी अल्फा डैश अगर अल्फा से ग्रेटर है तो इसको हम लोग अपर बाउंड बोल सकते हैं। अगर इसके लेफ्ट में मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं बीटा डैश जो कि बीटा से लेस देन है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लोअर बाउंड बोल सकते हैं। तो सारे बीटा डैश जो बीटा से लेस देन है तो वो अपना क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड। और सारे अल्फा डैश जो कि अल्फा से ग्रेटर है उन सबको क्या बोल सकते हैं? हम लोग अपर बाउंड बोल सकते हैं। तो अगर सेट कोई अपर बाउंडेड है और उसका अगर एक अपर बाउंड है तो उसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड और हो सकते हैं, ऐसे उसके पास लोअर बाउंड भी कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इसका मतलब अपर बाउंड यूनिक नहीं होता और ना ही लोअर बाउंड यूनिक होता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्योंकि डेफिनेशन क्या था कि सेट के सारे एलिमेंट उससे लेस देन होने चाहिए। तो अगर मैं ये वाला एलिमेंट भी ले रहा हूं कोई अल्फा डैश, तब भी सेट के सारे एलिमेंट उससे लेस देन होंगे। अगर मैं यहां पे कोई एलिमेंट लूं फिर भी सेट के सारे एलिमेंट उससे लेस देन है, तो इसका मतलब ये पूरे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इसके अपर बाउंड। ऐसे ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इसके लोअर बाउंड, क्योंकि सेट का हर एलिमेंट उसके राइट साइड में आ रहा है और रियल लाइन है, तो इसके अलावा और कुछ होता भी नहीं, सिर्फ राइट और लेफ्ट है इसमें। ये क्लियर है? तो इसका मतलब यहां पे अपने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करना है जिससे कि ये यूनिक हो जाएगा। मतलब ये जितने भी अपर बाउंड है उसमें से हम लोग क्या करते हैं? सबसे लिस्ट ढूंढते हैं, और ये जितने भी लोअर बाउंड है उसमें सबसे क्या ढूंढते हैं? ग्रेटेस्ट। और इसको नाम क्या देते हैं? ग्रेटेस्ट, लोअर बाउंड और
लिस्ट अपर बाउंड, जी एल बी एल यू बी। देखो ये मेरे पास एक कोई सेट था, इस सेट को बाउंडेड अब वो कब बोलेंगे जब इसके पास कोई अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड का मतलब क्या है कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट का कोई भी एलिमेंट लो वो उसके लेफ्ट में आना चाहिए। मतलब अब मैं सेट का फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस, एस क्या होना चाहिए, लेस देन अल्फा होना चाहिए। तो सेट के सारे एलिमेंट इसके लेफ्ट साइड में है या फिर लेस देन अल्फा है, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, इसके अपर बाउंड हो गए। ये भी इसका अपर बाउंड है, ये मतलब ये सारे अपर बाउंड है। बट मुझे क्या करना है, इन सारे अपर बाउंड में से एक सबसे लीस्ट एलिमेंट ढूंढना है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। हाँ, स्मॉलेस्ट या सबसे लीस्ट, तो स्मॉलेस्ट या फिर इसको लिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे लिस्ट यूज करते हैं, लिस्ट अपर बाउंड एल यू बी। और इस एल यू बी को क्या बोलते हैं हम लोग, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम का दूसरा नाम क्या है, एल यू बी, लिस्ट अपर बाउंड। ऐसे इन्फिमम को क्या बोलते हैं हम लोग, जी एल बी, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब जितने भी लोअर बाउंड है उन सारे लोअर बाउंड में से सबसे ग्रेटेस्ट, जितने भी अपर बाउंड है उसमें सबसे लिस्ट। तो यहां से अपने पास कॉन्सेप्ट आता है सुप्रीमम और इन्फिमम का। ये क्लियर है सबको डेफिनेशन, सुप्रीमम और इन्फिमम क्या हो गया। हेलो, तो ज्योमेट्रिकली सबको क्लियर है सुप्रीमम और इन्फिमम का डेफिनेशन। तो ये तो हो गया अपना ज्योमेट्रिकली। अब इसको अल्फा और उसमें अगर जब किसी बुक में देखेंगे तो इसको ऐसे नहीं डिफाइन करते। अगर कोई एक सेट है रियल नंबर, एस इज अ सबसेट ऑफ आर, लेट अल्फा को अगर सुप्रीमम बताना है कि ये सपोज इस सेट का सुप्रीमम है, कब होगा, पहली कंडीशन तो क्या है, इसको क्या होना पड़ेगा, अगर ये सुप्रीमम है इसका मतलब ये क्या है, अपर बाउंड है। अगर अपर बाउंड है तो मैं सेट का कोई भी एलिमेंट ले लूं, एस क्या होगा, इस अल्फा से स्मॉलेस्ट होगा। अब सेकेंड क्या कहता है कि अगर ये अल्फा मेरा सारे अपर बाउंड में से सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब अगर इसके लेफ्ट में मैं आ जाऊं तो फिर सेट का एक पॉइंट आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर अल्फा माइनस एप्सिलॉन ले रहा हूं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी अल्फा ले लूं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन में क्या होगा, एक सेट का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो एस किसको बिलोंग करेगा, अपना अल्फा माइनस एप्सिलॉन से लेके कहां तक जा रहे हैं हम लोग, अल्फा तक। ये क्लियर है सबको कि अल्फा के थोड़े भी लेफ्ट में आ जाओ, ये अपने पास क्या था, अल्फा था, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन। तो कोई भी एप्सिलॉन ले लूं, अगर मैं उसके लेफ्ट में कितना भी लेफ्ट में जाऊं, अब ये एप्सिलॉन क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ये किसको अप्रोच कर सकते हैं, जीरो। मतलब चाहे जितना छोटा कर दो, एक ना तो एक एलिमेंट सेट का मिल ही जाएगा जो इसके बीच में आ जाएगा, मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा के बीच में बिलोंग करेगा। क्लियर है सबको। तो ये इस तरीके से डिफाइन किया जाता है सुप्रीमम ऑफ अल्फा को। तो इसको इन टर्म्स ऑफ हम लोग ने अल्फा डिफाइन किया। अब ये अल्फा तो कोई भी ले सकता हूं, मैं 0.1 भी ले सकता हूं, 0.01 भी ले सकता हूं, तो कितना भी छोटा ले लो क्योंकि ये सबसे लिस्ट है। तो इससे अगर मैं बैक, अगर इससे लेफ्ट में कितना भी छोटा इंटरवल बनाऊं, हमेशा सेट का एक पॉइंट आने वाला है। अगर सपोज ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि ये लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता। ऐसे अगर लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को डिफाइन करना है तो किसी बीटा को सेट का इन्फिमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, पहला तो ये कंडीशन होना चाहिए इफ कि सेट का कोई भी एलिमेंट ले लूं वो क्या होना चाहिए, उसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए। मतलब सेट का हर एलिमेंट क्या होगा, बीटा के राइट साइड में होगा, क्योंकि बीटा क्या है मेरा सबसे इसका लोअर बाउंड है। तो सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, उसके राइट में। अब अगर उसके राइट में कितना भी छोटा में एक, मतलब इसके आगे कितना भी थोड़ा भी आगे चले जाऊंगा ना, तो सेट का एक एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू एस सच दैट, कि एस किसको बिलोंग करेगा, बीटा और बीटा प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो।
क्लियर है ये दोनों डेफिनेशन? तो ये हो गया अपना सुप्रीमम और ये हो गया अपना इनफिमम। तो इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। बाकी मीनिंग वही है कि जितने भी अपर बाउंड थे उनका लिस्ट चूज करो और जितने भी लोअर बाउंड थे उनका हाई ग्रेटेस्ट चूज करना अपने को। तो ये डेफिनेशन हो गया अपना सुप्रीमम और इनफिमम का। हेलो, हेलो, ये समझ में आया? तो ये अपने पास सुप्रीमम और इनफिमम का डेफिनेशन हो गया। अब सुन, सबसे अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसका हम लोग सुप्रीमम और इनफिमम निकालते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बाउंडेड है, कैसे चेक करेंगे सेट बाउंडेड है कि नहीं? सेट को बाउंडेड कब बोलते हैं? हाँ, बाय डिफॉल्ट होता है। अगर इसको डिफाइन करना रहेगा तो कैसे बोलेंगे? डेफिनेशन क्या था बाउंडेड का? इसके पास अपर बाउंड होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए ना। तो एक काम करो, मैं कोई भी एलिमेंट को अगर मैं 0.1 ले लूँ तो ये क्या इस सेट का अपर बाउंड है? 0.1 सेट का अपर बाउंड है कि नहीं? क्योंकि अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या है कि इसके पास जो भी एलिमेंट होंगे वो इससे क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? इसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बाउंडेड अब है। अच्छा, इसी को मैं इसका लोअर बाउंड बोल सकता हूं। अगर इसको कॉन्ट्रेडिक्ट करना है कि मान लेते ये लोअर बाउंड नहीं है, तो लोअर बाउंड नहीं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक एलिमेंट है जो इसके लेफ्ट में आना चाहिए। तो क्या इसके लेफ्ट में आने के लिए कोई इसके पास एलिमेंट है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? ये लोअर बाउंड भी हो गया। तो इसका मतलब मैं कोई भी अल्फा चूज कर लूं रियल नंबर का, ये क्या हो जाएगा? इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों बन जाएगा। ऐसा बोल सकता हूं कि हर रियल नंबर एम्प्टी सेट का अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है। बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर एम्प्टी सेट का अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है। तो इनफिमम और सुप्रीमम का डेफिनेशन क्या होता है? कि जितने भी लोअर बाउंड है उनका ग्रेटेस्ट और जितने भी अपर बाउंड है उनका स्मॉलेस्ट लेना है। तो अगर सारा रियल नंबर उसका ग्रेटेस्ट अपर बाउंड है तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। पूरा रियल नंबर अगर इसका, ये क्या चेक किया हम लोग? सुप्रीमम ना। अगर इन्फिमम निकालना है, अगर सारे रियल नंबर लोअर बाउंड है तो उसमें से ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब एम्प्टी सेट का जो सुप्रीमम आ रहा है वो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है और इन्फिमम जो आ रहा है वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। ये समझ में आए? तो अगर इन जनरल किसी क्वेश्चन में पूछा है कि सुप्रीमम ऑफ एस ग्रेटर देन होता है इन्फिमम एस, तो ये रॉन्ग होगा। अगर सेट के बारे में कुछ नहीं बोला है, इन जनरल पूछ रहा है कि एस कोई भी सेट है तो क्या सुप्रीमम इन्फिमम से ग्रेटर होता है, तो आंसर क्या आएगा अपना? नो आएगा। ये कब होता है? जब सेट नॉन एम्प्टी होगा। तो ये क्लियर है सबको? तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है कि जिसका सुप्रीमम उसके इन्फिमम से छोटा है। ये समझ में आया सबको? पहला एग्जाम्पल एम्प्टी सेट, कि अगर कोई सेट एम्प्टी है तो उसका सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटी आता है और उसका इन्फिमम क्या आता है? प्लस इन्फिनिटी, और ये बाय डेफिनेशन आता है। तो जब भी अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सुप्रीमम इन्फिमम से हमेशा ग्रेटर होगा, ये तब होगा जब सेट क्या होना चाहिए मेरा? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो कहीं पे भी लिखा होता है, लिखता है एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर इन जनरल पूछेंगे तो फिर सुप्रीमम इन जनरल ग्रेटर नहीं होता। सिंगलटन सेट, इसका सुप्रीमम क्या होगा? इसके अपर बाउंड क्या होंगे? कोई भी एलिमेंट है ए, उसके राइट साइड वाला कोई भी एलिमेंट चूज कर लो, वो सारे क्या हो जाएंगे? उसके अपर बाउंड ना। इसके लेफ्ट वाला कोई भी एलिमेंट ले लो, वो उसका क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड।
इस लोअर बाउंड का सबसे सुप्रीमम, फिर से इसका सुप्रीमम या मैक्सिमम क्या आ रहा है अपने पास, ए आ रहा है, और इस अपर बाउंड का सबसे लीस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे वो भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट है जिस सेट का इन्फिमम और सुप्रीमम क्या आता है, सेम वही एलिमेंट आता है, और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट है। तो इक्वालिटी कब होल्ड होती है, जब वो सेट कैसा होगा, सिंगलटन। बाकी इन जनरल सुप्रीमम हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है अगर उसके पास एक से ज्यादा एलिमेंट है। क्लियर है सबको? अब जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कंप्लीट किसको बोलते हैं, कि कंप्लीट मतलब होता है कि रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट है। तो रियल नंबर कंप्लीट क्यों है, कि अगर मैं कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहा हूं, दिया नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट, ठीक है। तो अगर ए एक कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है आर का, तो ए हैज अ सुप्रीमम एंड इनफिमम, वो भी कहां पे होंगे, उसी सेट के अंदर। किस सेट के अंदर, आर के अंदर। अगर ऐसा होगा तो हम लोग कंप्लीट बोलते हैं। तो इन जनरल अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स स्पेस ले रहा हूं, तो ए अगर कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ले रहा हूं एक्स का, बाउंडेड इसके लिए बोल रहे हैं, अगर बाउंडेड नहीं बोलेंगे तो फिर ऐसे बोलेंगे कि उसके जितने भी अपर बाउंड है उसके पास क्या होना चाहिए, उसका सुप्रीमम होना चाहिए, और उसके जितने भी बाउंडेड लोअर बाउंड है उसके पास उसका क्या होना चाहिए, उसका इनफिमम होना चाहिए। अगर बाउंडेड बोल रहा हूं तो फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि उसके पास उसका सुप्रीमम और इनफिमम होना चाहिए। ये क्लियर है? और कहां होना चाहिए, उसी सेट के अंदर होना चाहिए। तो कंप्लीट का डेफिनेशन ये होता है कि रियल नंबर के अंदर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो बाउंडेड, उसके पास उसका सुप्रीमम और इनफिमम होता है, और किसके अंदर होता है, उसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर होता है, और ये हर एक सेट के अंदर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं है ना। सपोज मैं एक्स को ले रहा हूं क्यू, एक्स मेरे पास क्या है, ये सपोज क्यू आ गया, और मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूं, 1 + 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सेट क्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है, 1 1 + 1 करूंगा तो 2, ये भी बिलोंग कर रहा है, ऐसे 1 + 1 + 1 2 ये भी बिलोंग करेगा, 2.5। लेकिन इसका सुप्रीमम क्या होगा, ई आएगा। क्या ई क्यू के अंदर है अपना, तो इसका मतलब ये सेट कंप्लीट नहीं है। तो ये बाउंडेड तो है, ये क्लियरली इसको बाउंडेड बोल सकते हैं हम लोग, सेट बाउंडेड है कि नहीं। अरे ई का एक्सपांशन है, तो एक्स को 1 ले लेंगे तो 1 है, इसको एक्सपांशन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, ई होता है। तो इसका मतलब एक्स जो क्यू रैशनल नंबर, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जितने बाउंडेड सेट है जरूरी नहीं है कि उसके पास उसका सुप्रीमम होगा। ये बाउंडेड सेट तो है, क्योंकि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ई और इसका लोअर बाउंड क्या आ जाएगा, इसका इनफिमम 1 आ जाएगा, जबकि इसका सुप्रीमम क्या आ रहा है, ई। तो सुप्रीमम ई है और इसका लोअर बाउंड 1 है, लेकिन तो इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी, बट ये सेट का जो सुप्रीमम है सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट नहीं। एक तो ये डेफिनेशन है, एक सीक्वेंस में भी है कि जितने भी कॉची सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। सेट के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, कि अगर उसका कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ले रहा हूं तो उसका सुप्रीमम और इनफिमम उसी सेट के अंदर होना चाहिए, सेट के लिए उसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर होना चाहिए। ये क्लियर है सबको? अब इसी में ना एक मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट डिफाइन करते हैं हम लोग, या फिर इसी को लिस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, या फिर उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट।
इसमें डेफिनेशन में क्या चेंज है, सिर्फ उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर किसी भी अल्फा को ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलना है तो वो उसी सेट का मेंबर होना चाहिए, और सेकेंड जितने भी सेट के मेंबर हैं उस सेट से क्या होने चाहिए, स्मॉलेस्ट होने चाहिए। तो इस अल्फा को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और इसी का उल्टा कर देंगे तो कि सेट का मेंबर है और सेट के हर एक एलिमेंट उस अल्फा से ग्रेटर है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लिस्ट एलिमेंट बोलते हैं। तो लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसमें और इन्फिमम सुप्रीमम में डिफरेंस है। इन्फिमम सुप्रीमम हो सकता है सेट के अंदर बिलोंग ना करे, लेकिन ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट का डेफिनेशन में ही रहता है कि वो सेट का मेंबर होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो दोनों में डिफरेंस है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट एलिमेंट, और इसके अलावा इन्फिमम सुप्रीमम, दोनों अलग अलग चीज है। ये क्लियर है सबको? इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, इसका लोवेस्ट एलिमेंट क्या होगा, इसका इन्फिमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम क्या होगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है इसका, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1, लेस देन 1 फिर क्या बोलेंगे हम लोग, लेस देन 1 मतलब ये, अरे नहीं होता, ये यहीं पे एप्सिलॉन का रोल होता है, ठीक है, इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सबसे, इसके जो सारे एलिमेंट है ना वो किससे छोटे, 1 से छोटे है ना, तो इसका, लेकिन 1 सेट का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। इसका लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, ये जो बोल रहे ना 0.999, ये 1 है, 0.99 का मतलब 1 होता है, लेकिन अगर मैं 0.999998 करूंगा तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे जो उसके बीच में आ जाएंगे, तो फिर वो उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, तो इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिस्ट, इन्फिमम, सुप्रीमम, सुप्रीमम 1 होगा, सुप्रीमम चाहे सेट का मेंबर हो या ना हो, सेट के सारे एलिमेंट क्या है, 1 से स्मॉलेस्ट भी है, और 1 भले सेट का मेंबर ना हो लेकिन 1 क्या हो सकता है, उसका सुप्रीमम हो सकता है। या आगे चल के लिमिट पॉइंट में और अच्छा हो जाता है, लिमिट पॉइंट है तो जितने भी सुप्रीमम है वो या तो सेट के मेंबर होंगे, अगर सेट के मेंबर नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उसका सुप्रीमम हो सकता है। क्या हुआ? हाँ, ये ऐसा कुछ होता है, मैंने खुद जी मतलब ग्रेटेस्ट लिखा था, एल मतलब लोवेस्ट, ठीक, ऐसा कुछ नोटेशन नहीं है इसका। जैसे अगर कोई दो रियल नंबर दिए, अब मुझे क्या करना है, इस दो नंबर का मैक्सिमम निकालना है, या इस दो नंबर का मिनिमम निकालना है, या फिर किसी थ्री नंबर का मिनिमम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसी को पता है, किसी दो नंबर का मैक्सिमम क्या होता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, किसी दो एलिमेंट का मैक्सिमम निकालना, 1 2 का मैक्सिमम क्या होता है, 2 होता है, और 1 प्लस 2 का मॉडुलस 3 आ जाएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। कोई बताएगा क्या होता है, किसी दो नंबर का, किसी दो रियल नंबर का मैक्सिमम, किसी दो रियल नंबर का मिनिमम, और किसी थ्री नंबर का मिनिमम, और ऐसे हम लोग मिडल नंबर भी निकालते हैं। तो पहले ये बताओ, उसके बाद फिर किसी थ्री नंबर का मिडल नंबर क्या होगा,
नहीं याद है किसी को? ए प्लस बी प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये किसी दो नंबर का मैक्सिमम होता है। ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी टू, ये किसी दो नंबर का मिनिमम होगा। ऐसे अगर थ्री नंबर का मिनिमम निकालना है तो किसी भी एक नंबर को फिक्स कर दो, सी को फिक्स कर दो और ए बी का मिनिमम निकाल लो। ठीक है, तो ए बी के मिनिमम और सी, उसके बाद फिर सी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी और का मिनिमम आ जाएगा। मतलब या तो फिर बी सी का मिनिमम निकाल लो और उसके बाद ए और बी सी के मिनिमम में से कौन सा मिनिमम आएगा। ठीक है, अगर थ्री नंबर का मिडल नंबर निकालना है तो अरे नहीं, वो सब एवरेज होता है, एवरेज मीन वगैरह वो सब है। सुनो, तुम लोग ये बोल रहे हो ना वन प्लस, जैसे ये 1.5 1.6, इसका मिडल नंबर क्या है? इसे मैं लिख लूँ, माइनस वन वन 0.5, इसका मिडल नंबर क्या होगा? वन है मिडल नंबर, वन है कि 0.5? माइनस वन वन और 0.5, ये मिडल नंबर तो 0.5 है ना इसका। हाँ, तो अगर मैं वो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को 3 से डिवाइड करूंगा तब तो पता नहीं क्या आएगा, वो माइनस प्लस वन प्लस 0.5/3, तो ये कैंसिल हो गए, फिर ये तो 0.67 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग चीज है। मिड मतलब वो तीन वैल्यू होगी उसमें से उसका मिडल वैल्यू क्या होगा वो निकाल लो। मैक्सिमम का मतलब क्या है, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, समझ में आ ना? जैसे माइनस वन और टू में से मैक्सिमम क्या है, टू, 0.1 और 0.2 में से मैक्सिमम क्या है,